मैं तो जितना राकेश जी ने जो बता दिया उसके आगे कुछ मेरे लिए तो बचा ही नहीं, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी हम सब के लिए एक ऐसे पिलर हैं, करिए दो नहीं है 11 हैं, और इनके साथ जुड़ने के बाद में अनेक हो गए, अनेकता में एकता। और मैं समझता हूँ कि मानवाधिकार दिवस इन्होंने जो शुरू किया आज से 15-16 साल पहले, और उसके माध्यम से सबको एक एक करके जोड़ा, जिसमें से आज जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आज सर हमारे जुड़े हुए हैं और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे अधिकार क्या है, पता है, मगर डरते थे कि हम कोर्ट कैसे जाएं, पुलिस स्टेशन कैसे जाएं, तो उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना और उस प्लेटफॉर्म का नाम है मानव अधिकार। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आदमी को समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूँ तो मेरे साथ खड़ा कौन है, मेरा परिवार नहीं खड़ा होता है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं होता, तो उनके लिए कौन खड़ा होता है, वो खड़ा होता है मानव अधिकार। तो मैं समझता हूँ जब हम लोगों को ये जागरूकता मतलब बगैर पैसे के बगैर शिक्षा के मिल रही है फ्री फंड में, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं जी हाँ चलिए जी दोनों मुकेश जी और राकेश जी मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे पिछले 20 सालों से जानते हैं और ये हमारे मित्र ही हैं पिछले 20 सालों से, और इनकी जो ये प्रयास है उसमें मैंने हमेशा प्रोत्साहन दिया है, और जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और उसमें समानता जो है व्यक्तियों में मनुष्य में वो लाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को जब जस्टिस जो हमारे हैं इस कंट्री में तभी मिल सकता है जब ह्यूमन राइट्स का पूरी सब लोगों को उसके बारे में पता चले और उसके बारे में वो एक दूसरे से बातचीत करें, बोलें और एक दूसरे को मदद करें कि उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको बताएं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये एक संस्था है जिससे ये लोग जुड़ते हैं और ह्यूमन राइट्स के का प्रसार और प्रचार करने का जो एक प्रयास है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ये लोग इसी प्रकार से करते रहें। इसी फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपनी संस्था के माध्यम से इन्हीं सब अधिकारों के बारे में जानकारी देती है, इन्हीं सब अधिकारों से आप कैसे लड़ें उसके बारे में उनको समझाती है, और किसी सदस्य के माध्यम से इस तरह की कोई शिकायत आती है कि उसकी पुलिस स्टेशन के अंदर या नहीं सुनवाई हो रही है, या उसकी अदालतों के अंदर जो है सुनवाई नहीं हो रही है, या उसको जो कहीं पर शिक्षा के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मैंने अभी प्रोग्राम के अंदर बताया किसी को चिकित्सा के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, तो हम लोग अपनी संस्था में हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं या हमने जो कानूनी जानकारी रख रखी है उसके मुताबिक उसकी मदद करते हैं, पहला। और दूसरा कि जितनी हमारे संस्था की तरफ से जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबसे यही अपील है कि देश भर के अंदर जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि भाई कि अभी जो नागालैंड में हुआ या होता आ रहा है कई जगहों पर, ये आज का चलन नहीं है, ये पुलिस क्रूरता का शिकार भी होते हैं, आर्मी की मिस्टेक का भी शिकार होते हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारे पूरे मानवाधिकार की टीम जो है उसके ऊपर जो है हमेशा समय समय पर आवाज़ उठाती है। और आज के आपके इस मंच से भी मैं इसकी बहुत बड़ी प्रार्थना करता हूँ कि आर्मी के जवानों से जो गलती हुई है वो एक बहुत भारी गलती है, बहुत भारी चूक है, क्योंकि एक व्यक्ति की जीवन की कीमत अमूल्य होती है, इतने सारे व्यक्तियों का जो सिर्फ इस गलती की वजह से जो है डेथ हुआ है, उसको या तो सीधा बोला जाए कि दे इनोसेंट्स किल्ड। लेकिन आदमी को हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, पुलिस का जीवन हो, पत्रकारिता का जीवन हो, डॉक्टर का जीवन हो, कलाकार का जीवन हो, हर जीवन में कुछ अच्छे कुछ बुरे हादसे सबके साथ होते रहते हैं। अगर एक मीडिया का पर्सन गलत हो गया तो 100 मीडिया गलत नहीं हो सकती, 2 फिल्म लाइन वाले अगर गलत हो गए तो सारी फिल्म लाइन गलत नहीं हो सकती, अगर एक आर्मी से गलती हो गई तो सारी आर्मी गलत नहीं हो सकती, लेकिन जो हादसे गलत हुए उनके ऊपर एक्शन तुरंत होना चाहिए। ये आपके मीडिया के माध्यम से अपील है, क्योंकि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और ऐसी गलतियों से बचने के लिए उनके असफल हुआ उस बच्चे को 6 साल बाद की डेट दी जा रही थी, जिससे मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री कार्यालय अनभिज्ञ था, स्वास्थ्य मंत्रालय अनभिज्ञ था, एम्स से धक्का खिलाया जा रहा था,
तो जब उनके संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और उनको बुलाया गया जहाज से, मुख्यमंत्री को उससे पैसा दिया गया, उनकी तत्काल सर्जरी हुई और वो बच्चा आज जीवित है। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है, मेरे लिए मैं किसी काम आया, ये मंच काम आया। और इसी तरीके से सेमिनार में वो लोग मुझे मिले थे और उन्होंने अपनी बात मुझ तक पहुँचाई थी और मैंने उनकी बात सरकार तक पहुँचाई थी, तो इस वजह से ये कार्य जो है संभव हो पाया। तो मैं सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और उन लोगों का जिन्होंने इस मंच को आयोजित किया था, राकेश जी ने, और उस मंच के माध्यम से ही वो लोग मिले थे। और ये मंच जो चल रहा है, चल रहा है, उनके बारे में मैं करीबन 10 साल से जानती हूँ, उनके साथ रही हूँ, हम साथ में रहते हैं। तो इन लोगों ने जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ, वहाँ एक सरकार का बीड़ा उठा के खड़े रहे भाई। तो ये ऐसी इन लोगों ने एक नेतृत्व उठाया कि जहाँ भी हर एक छोटे से बड़े इंसान को जहाँ भी अन्याय होगा, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में हो, शिक्षण केंद्र में हो, हर एक छोटे मोटे व्यवहार व्यवसाय में हो, पॉलिटिक्स में हो, या फिर कोई भी पुलिस कर्मी के द्वारा कोई भी अन्याय हुआ होगा, कि ह्यूमन राइट्स वाले जो ये अभी जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक न्याय दिलवाने का वर्क कर रहे हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने छोटे बड़े गरीब लोग हैं, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे। और इनके लिए लोग पूरे जागरूक हो गए कि भाई मानव अधिकार किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मानव अधिकार, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं और सबको समझा भी रहे हैं और सबके लिए अच्छा है। और वी आर ऑल विथ हिम फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू।